मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पाकिस्तान और चीन को एक साथ आने का खतरा बताया है। केंद्र सरकार की ओर से विदेश नीति की विफलता के कारण ही पाकिस्तान और चीन एक साथ आए हैं। जो हमारा हिंदुस्तान का देश है उसकी बॉर्डर की सिचुएशन इंटरनेशनल सिचुएशन से लिंक्ड है। बॉर्डर की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो गई। सच्चाई ये है कि चाइना ने हिंदुस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में जमीन छीन ली। वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बैठे हुए। प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं आ। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चाइना हमारी टेरिटरी, हमारी जमीन के अंदर आज भी बैठा हुआ। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था। जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे टू फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा टू एंड हाफ फ्रंट वॉर चल रही है। टू एंड हाफ फ्रंट मतलब चाइना पाकिस्तान टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे। रोड है, ग्वादर है, वो चाइना के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जो चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकली फाइनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर गया है। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी टू एंड हाफ फ्रंट वॉर की माइंडसेट है। हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है, हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।